which maximal enzyme activity is achieved is different for different enzymes and often reflects the concentration of hydrogen ions at which the enzyme functions in the body ke maximum enzyme activity ke liye har particular enzyme ke liye uski particular ph hai, or ph as we know is the concentration of hydrogen ions So jis hydrogen ions concentration increase ya decrease hoti hai, उसी तरह उस पर्टिकुलर आयन की जो है ना वो एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है एंड इट इज मैक्सिमम एट अ पी एच फॉर विच फैक्टर फॉर विच दैट एंजाइम इज डिजाइन टू वर्क फॉर एग्जाम्पल अगर पेप्सिन है विच इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टमिक इज मैक्सिमली एक्टिव अराउंड पी एच टू अब स्टमक की पीएच क्या है वो टू है तो अब इस एक्सट्रीम पीएच के अंदर अगर हम कोई ऐसा एंजाइम डाल देते हैं जिसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो सेवन है तो वो डी हो जाएगा सो पेप्सिन इज अ पर्टिकुलर एंजाइम विच इज विच इज हैविंग अ मैक्सिमम एक्टिविटी एट पी एच टू वेयर एज अदर एंजाइम डिजाइंड टू वर्क एज न्यूट्रल पी एच आर डी बाई सच एंड एसडिक एनवायरमेंट जो डिज़ाइन हुए हैं ऐसे एनजाइम जो न्यूट्रल पी एच पे जिन्होंने एक्ट करना है तो वह इस हाई पी एच पे टू पे जाकर डी नेचर हो जाएंगे जिस तरह हमने देखा था कि जहाँ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिस तरह थर्टी सेवन के, के लिए जो डिज़ाइन हुआ हुआ एनजाइम वो तो अगर सिक्सटी डिग्री पे जाएगा तो अल्टीमेटली डी नेचर हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी फिर नीचे आ जाएगी इसी तरह जो डिज़ाइंड एनजाइम है फॉर टू पी एच अगर उसको जो उसको हाई उसपे दे देंगे तो वो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा और इसी तरह जो एंजाइम न्यूट्रल पीएच के लिए है उसको हम लो पीएच दे देंगे तो तब भी वो डीनेचर हो जाएगा एन अदर एग्जाम्पल इज दैट देर आर टू फॉस्फिटेज और टू टाइप्स ऑफ फॉस्फिटेज इन बॉडी वन इज दी अल्कलाइन फॉस्फिटेज एंड द अदर इज दी एसिड दी वन दैट एक्ट्स इन दी अल्कलाइन पीएच इज दी कार्ड अल्कलाइन फॉस्बिटेज एंड अदर विच एक्ट एज एसिडिक पीएच और एट एसिडिक पीएच इज नोन एज एंजाइम है एक एसिड फॉस्पिटेज है तो दोनों की जो है ना वो पीएच जो अफेक्ट कर रही है उसकी एक्टिविटी को वो डिफरेंट है दिस डाइग्राम शोज द डिफरेंट एनजाइम फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था स्टमक में तो पेप्सिन जो है हमने कहा था अराउंड टू इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी है अब इसकी अगर हम पी एच बढ़ाते बढ़ाते यहां फोर्टीन पे ले जाते हैं तो ये क्या होगा ये इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और यहां पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगी इसी तरह सेलरी अमाइलेज है उसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो पी एच सेवन पे है सो दिस इज दी एच इज इट्स ऑप्टिमम पी एच फॉर इट्स एक्टिविटी तो उससे पहले भी इसकी एक्टिविटी रिड्यूसड है ज्यो जो पी एच बढ़ती जाएगी हाइड्रोजाइन कंसेंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो उसी तरह इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी लेकिन अल्टीमेटली इसी तरह जो ही इसकी पीएच हम सेवन से जो इसकी ऑप्टिमम है उससे और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये डी नेचर होता जाएगा और यहां पे जाके सेवनटीन पे जाके हम देख रहे हैं सॉरी फोर्टीन पे हम देख रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट होगी निलोलर केस विद ऑफ विदिने लिवर द इफेक्ट ऑफ पी एच ऑन दर्गनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट पी पीएच क्या करती है एक एक्टिव साइट के ऊपर आयोनाइजेशन करती है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की दंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन अफेक्ट्स रिएक्शन वेलोसिटी इन सेवरल वेज किस तरह ये एक्ट फर्स्टली दैटेलिटिक प्रोसेस रिक्वायर यूजली हैव अ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स इन आइदर एंड आयोनाइज और एन अन स्टेट इन ऑर्डर टू रिएक्ट हर एंजाइम के अंदर जो है रिक्वायर दूजली द प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द एनजाइम एंड सबस्टेट है भी स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स हैं जो कि हमने कहा है कि उसकी एक्टिवसाइट के ऊपर जो माइनोसिड लगे हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं विद दबस्टेट और यही इसी तरह सबस्टेट के ऊपर भी स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह डिपेंड करती है ऑन द पी एच के जितने के जो एसडिक है उसको एसडिक पीएच चाहिए जिसमें सब और एंजाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ बेसिक पीएच चाहिए सो दिज आर दी दिस दिस डिपेंड्स अपॉन दी कंसंट्रेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट विच आर आयनाइजेबल इन दर्गेनाइज इन पर्टिकुलर एनजाइम एंड ट्स पर्टिकुलर सबस्टेक्ट फॉर एग्जाम्पल कैटेलिटिक एक्टिविटी में रिक्वायर दैट वन अमाइनो ग्रुप ऑफ द एंजाइम बी इन द्रोटोनेटेड फॉर्म कि अगर एक कैटेलिटिक एक्टिविटी जो है वो रिक्वायर कर रही है कि एक अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एनएच थ्री प्लस की फॉर्म में होना चाहिए एट अल्क्लाइन पी एच दिस ग्रुप इज डी प्रोट प्रोटोनेटेड एंड द रेट ऑफ रिएक्शन देयर फोर डिक्लाइंस अब जिस तरह हमने कहा जो एनजाइम पैपसिन है वह टू पी एच पे काम कर रहा है तो उसको वहाँ पर उसका अमाइनो ग्रुप जो हैं वो फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होने चाहिए अगर हम इसको इसकी पी एच बढ़ाते जाएंगे तो ये अमाइनो ग्रुप जो है वो एन एच में चला जाएगा एक हाइड्रोजन निकल गया दूसरा निकल गया तीसरा निकल गया तो अल्टीमेटली जूँ ज्यों इसकी हम रिड्यूस करते जाते हैं इसकी डीप्रोटनेशन करते जाते हैं इसकी पी एच रिड्यूस करते जाते हैं उस इस तरह इसकी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर एंजाइम की जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच और ऑप्टिमम पी एच लिए डिज़ाइन है वो रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी डिक्लाइन कर जाती है जिस तरह हमने देखा था कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पर क्या हुआ था कि एंजाइम डी नेचर हो गया था बहुत थोड़े टेम्परेचर पे भी डी हो गया जो ऑप्टिमम 37 थर्टी सेवन पर बना हुआ है उसको जीरो पे टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं करेगा इसी तरह उसको सिक्सटी सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तब भी वो डी हो जाएगा इसी तरह एक्सट्रीम्स ऑफ जो पी है दैट ऑल्सो लीड्स टू डी ऑफ ए पर्टिकुलर एनजाइन